दोस्तों, जो लोग आने वाले 10 सालों में 50 से 1 लाख रुपए पेंशन पाना चाहते हैं लाइफ टाइम, उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सिंपल टारगेट बनाना पड़ेगा कि आने वाले 10 सालों में 50,000 रुपए पर मंथ पेंशन चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए बनाने का टारगेट आपको लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए आप अगर बनाते हो 10 सालों में 10 इयर्स, तो आपको मंथली 19,300 रुपए बचाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर, और 19,300 बचाएंगे, 12% सालाना रिटर्न अगर आपको मिलता है और 20% आप इंक्रीमेंटल करते हो 19,300 में, तो 10 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। फिर से समझे, इसको 20 पकड़ ले समझने के लिए। 20% इंक्रीमेंटल का मतलब है 20,000 में हर साल जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज्ड होती है, वैसे ही आपको 20,000 के 20% मतलब 2,000 बढ़ाने हैं। मतलब ये साल भर आप 20,000 रुपए बचाएंगे, अगले साल 20% इंक्रीमेंटल करके 22,000 रुपए आप मंथली बचाएंगे, उसके अगले साल 22,000 का 20% 2,400 24,400 आप पर मंथ बचाएंगे। ऐसा अगर करेंगे और आपको 12% का एनम पर एनम रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में 2 करोड़ रुपए बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर ये 1 करोड़ रुपए मैं SWP कराऊं, ये देखिए यहाँ पर SWP कैलकुलेटर है आपके सामने, 1 करोड़ रुपए SW के लिए मैं डाल देता हूँ 50 साल के, 6% का भी रिटर्न आता है, और मैं 1 करोड़ रुपए अपनी आने वाली जनरेशन को रखना भी चाहता हूँ। इन दिस सर्कमस्टेंसेस मुझे 48,676 रुपीस पर मंथ पेंशन मिलेगी, मतलब SWP मैं ले सकूंगा 1 करोड़। समझ लीजिए, मैंने मेरी उम्र अभी 40 साल है, 10 साल तक मैं 20,000 रुपए पर मंथ बचाता हूँ 1 साल के लिए, फिर उस पर 20% इंक्रीमेंटल करता हूँ, तो मेरे 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे 10 साल के अंदर। और 10 साल के बाद मुझे नेक्स्ट 50 इयर्स, मतलब मैं 50 का बन जाऊंगा, उसके बाद 50 साल मुझे 48,676 रुपीज की पेंशन मिलेगी, SWP मिलेगी, और वो भी साथ में 1 करोड़ रुपए बैलेंस रखते हुए। अगर मैं चाहूं कि नहीं रखने हैं, तो मुझे पेंशन मिल सकती है 41,470 रुपीज की। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जी नहीं, 50,000 में क्या होगा, तो आप 2 करोड़ रुपए बनाने का टारगेट ले ले। अगर 2 करोड़ रुपए बना लेते हो तो आपको 1 लाख की पेंशन मिलेगी, 2 करोड़ रुपए बैलेंस भी रख दोगे आने वाली जनरेशन के लिए, तो आपको 97,000 का एन्युटी मिल सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 20,000 या फिर 2 करोड़ बनाने हैं तो 40,000 रुपए बचाना क्वाइट मुश्किल है, तो उसको 12 साल करा दे। अगर 2 करोड़ बनाने 10 साल में, तो आपको 38,578 रुपीज बचाने पड़ेंगे 20% इंक्रीमेंटल के साथ 10 साल में 2 करोड़ बनाने के लिए। लेकिन आप अगर इसको 12 साल कर देते हैं तो 23,000, मतलब 25,000 रुपये बचा लो, 20% इंक्रीमेंटल करो, 12 साल में 2 करोड़ बनेंगे, और 2 करोड़ पे आपको 2 करोड़ बैलेंस रखते हुए भी 97,700 समथिंग की SWP या NUT, जिसको हम पेंशन कह सकते हैं, मिल सकती है। तो डेफिनेटली इस तरीके से अगर आप डेडिकेटेडली ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली संपर्क करें नीचे हुए नंबर पे और इसके बारे में अधिक जानकारी ले, और कमिटेडली आने वाले 10 साल आप ये प्लान कर सकते हो, 12 साल में प्लान कर सकते हो, और अपने लिए परमानेंट पैसिव इनकम आने वाले 10 साल में बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर पर संपर्क करें, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।